जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, स्किन हमारी बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट अंग है और हम किसी से मिलते भी तो सबसे पहले हमारी स्किन दिखती है, फिर स्किन की जो ग्लो रहती है वो दिखती है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल स्किन की कई तरीके की प्रॉब्लम से लोग पीड़ित रहते हैं और इसमें से काफ़ी कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है सन टैनिंग की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारी धूप की किरणें या फिर हार्मफुल रेडिएशन की वजह से हमारी स्किन कभी कभी काली पड़ जाती है लोगों की, या फिर बेजान सी दिखती है, धब्बे आ जाते हैं, हल्के काले पैचेस की स्किन आ जाती है। कई बार ये रिंकल्स का भी कारण बनती है, ढीली त्वचा कर देती है और साथ में डेड स्किन कर सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम में कई बार आपकी जो स्किन या फिर चेहरा रहता है वो काफ़ी बेजान सा दिखाई देता है, फिर थोड़ा गंदा डल सा या अनइवन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेशन दिखाई देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। उसके लिए लोग कई तरीके के हम केमिकल क्रीम्स का यूज़ करते हैं, सनबर्न वाली क्रीम्स का यूज़ करते हैं सनटैन हटाने के लिए, SPF क्रीम्स का, कई तरीके की इनका। लेकिन इससे बेटर दोस्तों, अगर आप हमारा जो घर पे आपको आज नुस्खा बताएंगे, आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम से काफ़ी फ़ायदा देगा, और अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी सन टैनिंग को पूरी तरीके से हटाएगा, आपकी स्किन को एक नेचुरल सा ग्लो देगा और आपकी स्किन को धूप से बचाने में भी काफ़ी इफेक्टिव काम करेगा। दोस्तों, बात करते हैं इस पैक के लिए या फिर इस नुस्खे के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप 2 से 4 चम्मच टमाटर है, आप उसका गुदे को ले लीजिए इस तरीके से देखिए, और इसमें आप साथ में आपको दही चाहिए, आप ये दही लीजिए और दही की आप तकरीबन 1 चम्मच दही इसमें मिला लीजिए इस तरीके से अच्छे से, आप अच्छे से इनका मिश्रण कर लीजिए इस तरीके से, आप एक पेस्ट सा बना लीजिए। इसके साथ में आपको नींबू का रस लेना है, देखिए इस तरीके से आप नींबू का रस ले लीजिए और तकरीबन 1/2 से 1 चम्मच आप नींबू का रस इस तरीके से इस पेस्ट के अंदर डाल लीजिए और अब इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिला लीजिए, और दोस्तों अब आप इस जो ये पेस्ट बनेगा आप इसका यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा, और आपकी स्किन से दाग धब्बे तो उसको हटाने में, आपकी डेड स्किन को हटाने में हेल्प करेगा, सन टैनिंग हुई है तो उसको हटाने में भी हेल्प करेगा, और साथ में आपकी जो स्किन है आप देखेंगे कि काफ़ी आपको इफेक्टिव ग्लो देगा ये। आप जहाँ भी आपको सन टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप उस एरिया में इसको इस तरीके से लगा के रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे काफ़ी ठंडा भी आपकी कूल करेगा ये आपकी स्किन को, खासकर गर्मी में आप इसका यूज़ करेंगे तो। दोस्तों, आप इस तरीके से लगा के इसको सूखने दीजिए और आप फिर इसको 25 मिनट से लेकर 30 मिनट बाद धो लीजिए, और आप देखेंगे अगर आप सप्ताह में ऐसा 2-3 बार करेंगे तो आपकी जो भी सन टैनिंग की प्रॉब्लम है वो ये काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन सजेशन हो हमसे पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।